हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? गुड इवनिंग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो अभी मैं अपने शॉप से जस्ट आई हूँ। मैं टाइम दिखाती हूँ, मैं 6 बजे वहाँ से निकली थी घर से, और घर आते आते मुझे 7 बज गया है। 1 घंटे का रास्ता नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का 10 मिनट का रास्ता है। लेकिन ऑटो का पता है कि ऑटो को भरने में टाइम लग जाता है, और फिर पहले तो मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे ना अभी बताती हूँ, पहले ये खिड़की खोल देती क्योंकि रूम में आई हूँ, इतनी गर्मी है ना मेरे रूम में। अब मुझे धूल मिट्टी देख के ना मेरे को अजीब से किस किस सा हो रहा है। सब कपड़ा गीला करके उसको पहले पोंछती हूँ। तो मैं कहती कॉल आ गई थी एक, तो बस मैं यहाँ पर पहुँच गई थी थोड़ा सा किचन, ताकि किचन पहुँच कर अंशु हाथ पैर धो के, मोटी वाली धुबत्ती है ना वो जला दो, ऊपर ही ला के जला देना, क्योंकि नीचे तो तू पता नहीं। एक छोटा सा धुबत्ती गए हैं तुलसी माता के पास वो वाला, और मोटा वाला ऊपर के लिए रूम में के लिए। माचिस है ऊपर, तो मुझे मैं पूजा वूजा नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा एक्चुअली पूजा करनी। बिना सुने गया क्या? गया गया किस लिए था? बहुत तुलसी माता के पास के लिए। देखती हूँ खाना वाना क्या बनाऊंगी, कुछ नहीं पता। आई थिंक दाल चावल ही बनाऊंगी, मेरा शेड्यूल भी लट रहा है, क्योंकि मुझे चावल, वैसे भी मैं चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और हम जब से दुकान पे जा रही हूँ ना, तब से मेरा ये हो रहा है कि सुबह मैं घर पे रोटी बनाती हूँ यहाँ पे, और शाम को रात में चावल बनाती हूँ आने के बाद। तो मेरा है कि मैं चावल खा लेती हूँ वहाँ, मैं यहाँ तो खाती नहीं हूँ, वहाँ जाके खाती हूँ, तो मैं वहीं चावल खा लेती हूँ। तो फिर मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पर भी मुझे चावल ही बनाना पड़ता है। इस टाइम पे क्योंकि हस्बैंड दिन में रोटी खाते हैं, तो उस टाइम चावल से ही होता है, तो मुझे डेली चावल में खा खा के परेशान हो गई। और आपको दिखाती हूँ अपना पैर, आज हुआ था मेरा ब्लड टेस्ट है ना, फिर मैं बताऊंगी आपसे कल मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड इस वीडियो को ना यहीं